हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर टेक एडवाइजर। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कि सबसे तेज़ यहाँ पे अगर ब्राउजिंग की बात की जाए तो सबसे तेज़ ब्राउज़र यहाँ पे कौन सा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास में यहाँ पे तीन ब्राउज़र आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि पहला है सब लोग जानते हैं सबके फ़ोन में होता है एंड्रॉयड फ़ोन्स में गूगल क्रोम, और दूसरा है यूसी ब्राउज़र जो कि अपने डाउनलोडिंग स्पीड के लिए जाना जाता है और ब्राउजिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा एक ब्राउज़र है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्राउज़र आपको नया लग रहा होगा या फिर हो सकता है कि आप यूज़ भी करते हों, ये है पफिन ब्राउज़र। जी हाँ, तो यहाँ पे ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं इस ब्राउज़र को यूज़ करता हूँ और आप मेरा यकीन मानिए, अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगा एग्जांपल कि बहुत तेज़ी से ये दोनों ही ब्राउज़र्स मतलब इसकी स्पीड के आगे कुछ भी स्पीड नहीं है इनके पास। जी हाँ, आप मेरा विश्वास करिए, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कोई भी, या फिर आप खुद इसको डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, उसके बाद से यूज़ करिए और फिर आप कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको ये फास्ट लगता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार क्विक एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। तो एक वेब पेज मैं यहाँ पे तीनों ही ब्राउज़र्स में खोलने वाला हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वोडाफोन 3G से कनेक्ट किया हुआ है अपने डिवाइस को और हम खोलने जा रहे हैं तीनों ही ब्राउज़र्स में एक एक पेज, और वो होगी एक वेबसाइट फ़ोन रेडार। जैसे कि आप जानते होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम में गूगल डिफ़ॉल्ट खुल जाता है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे फ़ोन रेडार और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाता है phonradar.com और होम पेज पे हम चलते हैं इसके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से टाइम इसमें लग रहा है, और जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कुछ इस तरह से फ़ोन रेडार वेबसाइट खुल चुकी है इसमें, तो आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पे यूसी ब्राउज़र में, सेम वेबसाइट हम खोलने वाले हैं यूसी ब्राउज़र में भी, तो देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। फ़ोन रेडार, ओके, ओ मिसेस, जी हाँ, यहाँ पे आप फ़ोन रेडार इसमें भी हम खोलेंगे, और यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद क्रोम की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रही है यूसी ब्राउज़र से। बहरहाल हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा हमारा पफिन ब्राउज़र का है, तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम लग रहा है यहाँ पे यूसी ब्राउज़र से, मुझे लगता है कि 5 या 10 सेकेंड हो चुके हैं और भी टाइम ही ले रहा है। सेम नेटवर्क कनेक्शन है जो कि क्रोम पे था, वोडाफोन 3G। मैं 4G भी यूज़ कर सकता था लेकिन वहाँ पे 4G का नेटवर्क थोड़ा सा कभी कभी अप डाउन होता रहता है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं वोडाफोन 3G यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूसी ब्राउज़र के साथ पता नहीं यहाँ पे क्या गड़बड़ है कि ये बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और मैं इसको फटाफट हटा कर, और देखिए यहाँ पर लगभग 20 सेकेंड में इन्होंने बोले दिया फ़ोन रेडार को। चलिए हटाते हैं इनको, बिना काम का ब्राउज़र है ये। और यहाँ पे आ गया पफिन ब्राउज़र, अब इसमें हम करते हैं, मेन हमारा उद्देश्य इसी ब्राउज़र की स्पीड को आपको दिखाना था कि किस तरह से ये काम करता है। काफ़ी फास्ट है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये वेब पेज को खोल रहा है और किस तरह से ये फ़ोन रेडार वेबसाइट को भी खोल देगा, जो कि होगी बहुत ही जल्दी। आप देख सकते हैं बिल्कुल अनबिलीवेबल स्पीड है यहाँ पर, और हैंड्स डाउन यहाँ पे यही विनर हो गया और बेस्ट ब्राउज़र है यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एंड्रॉयड के लिए, तो कम से कम मैंने जो टेस्ट किया है अभी तक उसके हिसाब से बेस्ट है। और आप प्ले स्टोर में जाइए, सिंपली आप ओपन करिए पफिन ब्राउज़र लिखिए यहाँ पे, और ये वाला आइकन आपको दिखेगा, ये वाला, जी हाँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला आइकन जो मूव किया मैंने अभी नीचे की तरफ, तो यही आपको ब्राउज़र डाउनलोड करना है, और अब से तो मेरा यही डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी होने वाला है। तो बाय गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके अपने थॉट्स बताइए, और हमारे चैनल योर टेक एडवाइज़र को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाय गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।